असलम एवरी एवरीवन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रिव्यू एंड एनालिसिस सीरीज़ आज का जो टॉपिक है या आज का जो थीम है वो है मेजर शिफ्ट्स और मेजर चेंजिंग ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड दुनिया इस वक्त चेंज हो रही है देर आर लॉट्स ऑफ एवेन्यूज़ फॉर दैट लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स आउट देयर रिसर्च पेपर्स हैं काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो जी चीज़ को सीमेंट करती है कि दुनिया में काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं बट आज मैं आपको दो या तीन उनमें से चेंजेस बताना चाहूँगा एंड आई विल वुल्सो लाइक यू टू कम अप वि लिस्ट ऑफ योर चेंजेस क्या आपको क्या लगता है कि ये ए बी सी डी ई इन चेंजेस की वजह से आपको लगता है कि दुनिया के अंदर मेजर शिफ्ट आ रहे हैं तो सबसे पहला जो चेंज है दैट इज़ द रज़ ऑफ ब्रिक्स हम सब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स इज़ वेरी ब्रीफली ब्रिक्स अकाउंट फॉर अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन थ्री पॉइंट थ्री बिलियन पीपल ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड दुनिया की जी डी पी है इस वक्त एक सौ चार या एक सौ पाँच ट्रिलियन डॉलर्स और ब्रिक्स जो है उसमें से ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट कम्बाइंड जिनकी जी है इट अकाउंट्स फॉर दैट मतलब वर आई एम ट्राइंग टू इस्टेबलिश इज दैट कि ब्रिक्स इज़ अ फॉर फोर्स वेन इट जॉइंस हैंड्स विद अदर कंट्रीज़ एंड इन दैट डिवेलपमेंट उन्नीस और ममालिक हैं जिन्होंने दे हैव बिन नॉकिंग एट द डोर ऑफ ब्रिक्स के हमें भी अब इसके अंदर शामिल करें इसमें से पाँच अरब स्टेट्स हैं एक ईरान है ईरान इज़ अ सेंक्शन कंट्री बट हम देख रहे हैं कि ये सेंक्शन वाली बात जो है हम आखिर में कवर भी करेंगे इसको लेकिन सेंक्शन के बावजूद भी अब काफ़ी ममालिक इंटीग्रेट हो रहे हैं इसके साथ साथ ब्रिक्स और बी आर आई की जो कंट्रीज़ हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो आप इसमें स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के अंदर आ रही हैं इसके साथ साथ ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी लॉन्च किया इसका फिफ्टी बिलियन डॉलर्स का फंड है इस वक्त और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो 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 आजकल के आई एफ आई से बहुत डिफरेंट है इसके अलावा अब मैं आपको एक या दो फैक्टर बताता हूँ कि कैसे पता लगता है कि राइज ऑफ ब्रिक्स है देर मल्टीपल फैक्टर्स आप ट्रेड को देखेंगे चाइना एंड रशिया जो है उनका ट्रेड हैज़ टच वन एटी एट बिलियन डॉलर सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर इस साल के वो कोई तीस परसेंट प्लस ऊपर गया है इसी तरह चाइना एंड इंडिया ने नाइन्टी परसेंट जो है रशिया की इम्पोर्ट्स को ऑयल इम्पोर्ट्स को एबजॉर्ब किया है आफ्टर दिया ऑयल एम्बागो जो कि यूरोप ने लगाया था रशिया पर टर्की एंड इंडिया का जो ट्रेड है रशिया के साथ वो नाइन्टी थ्री परसेंट एंड टू हंड्रेड फिफ्टी परसेंट रिस्पेक्टिवली है दो के मुकाबले में वैन यू टॉक अबाउट इट इन तो ये सब मिन छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जिनसे पता लगता है कि दुनिया इस वक्त एक डिफरेंट एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है इसी से एक रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम आया था पिछले एक डेढ़ महीना पहले कि ब्रिक्स इज़ प्लानिंग टू लॉन्च दर ओन करेंसी उसमें एक दूसरा ट्रेंड आता है डी डॉलराइजेशन का पहले भी इस पर बात हो चुकी है कि डॉलर अभी कहीं नहीं जा रहा दुनिया के एटी परसेंट क्रेड स्टेट डॉलर में होता है दुनिया के सिक्सटी परसेंट रिजर्व डॉलर के अंदर एंड बट जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है वो ज़रूर शुरू हो गया है सो वेन एवर हिस्ट्री बुक वुड बी रिटन अबाउट द फॉल ऑफ डॉलर दीज वुड बी दयर्स वैन इट स्टार्टड तो आप देखेंगे यून रूबल रूबल इज़ दी करेंसी ऑफ रशिया इनका जो करेंसी पे ट्रेड होता है रशिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर वो 39 परसेंट उसका शेयर हो गया है जबकि यूएस का और रूबल का 34 परसेंट पर गिर गया है इसी तरह जो रशिया और इरान का ट्रेड मैंने रशिया और चाइना का ट्रेड मैंने आपको बताया कि वन बिलियन डॉलर पर पहुँचा है दो अरब डॉलर तक जा, सक, जा सकता है इसका मेजर हिस्सा यून के अंदर सेटल हुआ है डॉलर के अंदर सेटल नहीं हुआ अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया चाइना ब्राज़ील इन सब ने एग्री किया कि वो अपने आपस में जो ट्रेड हैं उनको वो यूवान के अंदर सेटल करना चाहते हैं इवन पाकिस्तान ने जो रशिया से ऑयल लिया है उसके लिए भी पाकिस्तान को यून रिक्वायर्ड है डॉलर्स नहीं तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है विद इन दैट एडिशनली आप देखेंगे चाइना जो है रिसेंटली 61 कंट्रीज़ का मेजर पार्टनर है ट्रेडिंग पार्टनर है जबकि यूएस एस थर्टी कंट्रीज़ का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है इसके ऊपर आप ये चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग देख सकते होंगे कि कैसे 2000 वर्सेस 2022 इसके अंदर कितना चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ चाइना गेटिंग अलोंग विद ऑल ऑफ़ द कंट्रीज़ फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड जो चेंज है जो मैं समझता हूँ दैट इज़ दी फॉल इन सेंक्शन द पावर ऑफ सेंक्शंस आप देखें सेंशनस के बावजूद रशिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी आइसोलेट नहीं कर सकी रिसेंटली रशिया रजिस्टर्ड अ सिक्स परसेंट ग्रोथ इन द रॉयल टैक्स रेवेन्यूज डिस्पाइट एवरी थिंग हैपनिंग विद इट रशिया नाउ हैज़ बिकम द लार्जेस्ट द मोस्ट सेंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ईरान और अब ईरान और रशिया का अलहदा एक अपना एग्रीमेंट चल रहा है रशिया और चाइना ने दो अरब डॉलर के कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं ये सब जाने से पहले वीडियो खत्म करने से पहले ये सब कुछ जो चेंजेस है इसको एक टर्म है मिनी लेट्रलिज्म वो बड़ा अच्छा डिफाइन करती है मिनी लेट्रलिज्म के अंदर आप नेशनल इंटरेस्ट्स देखते हैं जो कन्वर्ज करते हैं अपनी आइडियोलॉजीज़ या पॉलिटिकल थ्योरीज नहीं देखते आई वुड वांट के जो हम स्टूडेंट स्पेशली सी एस जिन्होंने करना है वो इसके ऊपर पढ़ें और इसके ऊपर कुछ लिखें और उसमें देखें कि पाकिस्तान का रोल कहाँ है आजकल तो मिनी लेट्रलिज़म को पढ़िए और इन मेजर शिफ्ट जो हो रही हैं दुनिया में इनको फॉलो करते रहें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल ऑल्सो इंक्लूड सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन गो थ्रू दैम थैंक यू